नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नानक क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू चौसर एंड हिज कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स। जी हाँ, चौसर और उनके जो समकालीन राइटर्स थे उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टाइम न वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज चौसर्स कॉन्टेम्प्रेरी। तो हमें इनमें से जो ऑप्शंस हैं इनमें से हमें बताना है कि चौसर के कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है विलियम लैंगलैंड, जॉन मैनविल, जॉन वाइक्लिफ या ऑल ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि विलियम लैंगलैंड, जॉन मैनविल और जॉन वाइक्लिफ जो हैं वो सभी चौसर के कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑथर रॉट पियर्स द प्लोमैन। पियर्स द प्लोमैन भी इसको कहते हैं और पियर्स प्लोमैन भी इसको कहते हैं। तो किस ऑथर ने ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग द एज ऑफ चौसर। ऑप्शंस हैं हमारे पास विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर, जॉन लिडगेट या थॉमस हॉकली। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम लैंगलैंड। और ये एज ऑफ चौसर का बहुत ही फेमस वर्क है जिसको विलियम लैंगलैंड ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायलेक्ट पियर्स प्लोमैन वॉज रिटन। तो देखिए, वन बाई वन जो MCQs आएंगे उनसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अभी हमने पियर्स प्लोमैन के राइटर का नाम देखा और अभी हम देखेंगे इस क्वेश्चन में कि ये किस डायलेक्ट में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन हमारे पास है ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, वेस्ट मिडलैंड, साउथ ईस्टर्न या साउथ वेस्टर्न। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट्स। सो पियर्स जो प्लोमैन राइटर जो वर्क है जिसे विलियम लैंगलैंड ने लिखा है उसे वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखा गया था। नेक्स्ट है, फुल टाइटल ऑफ द पोएम पियर्स द प्लोमैन इज। तो अब इस वर्क का फुल टाइटल हमें बताना है। ऑप्शंस हैं हमारे पास द विजन ऑफ विलियम, द ड्रीम विजन, द विजन ऑफ स्टार्स या नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द विजन ऑफ विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ड्रीम्स डिड द ऑथर हैव इन हिज पोएम पियर्स प्लोमैन। तो देखिए, ये एक ड्रीम विजन है, हमें ये बताना है कि इसमें कितने ड्रीम्स जो हैं वो ऑथर देखता है। ऑप्शंस हैं हमारे पास 4, 2, 3 और 6। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्रैम्ड और विजन्ड बाय विलियम लैंगलैंड इन पियर्स प्लोमैन। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो तीन विजन विलियम लैंगलैंड ने देखे थे अपनी अपने वर्क पियर्स प्लोमैन में, उनमें से कौन सा विजन ये इनमें से नहीं है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास डू बेस्ट, डू वेल, डू एम्बिट, डू बेट। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डू एम्बिट। तो देखिए, डू वेल, डू बेट और डू बेस्ट, इस तरह के तीन विजन जो हैं वो देखे जाते हैं। इनका क्रम भी यही है, डू वेल, डू बेट और डू बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियर्स प्लोमैन इज एन डैश विद अ कॉम्प्लेक्स वेराइटी ऑफ रिलीजियस थीम्स। तो हमें ये बताना है कि पियर्स प्लोमैन का लिटरेरी जॉनर जो है वो क्या है। ऑप्शंस हैं हमारे पास एलिगरी, एपिक, बैलेड या वर्स ड्रामा। सो राइट आंसर हो जाएगा एलिगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय जॉन मैनविल। तो इनमें से कौन सा वर्क जॉन मैनविल ने लिखा है। ऑप्शंस हैं द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैनविल, द स्टोरी ऑफ ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैनविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैनविल वॉज रिटन बिटवीन। तो अब हमें इसके लिखे जाने का समय जो है वो बताना है। ऑप्शन हैं हमारे पास 1367 to 1371, 57 to 71, 46 to 71 और 65 to 71। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1357 to 1371। तो इस बीच में ये वर्क जो है वो लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट ऑफ द बुक द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैनविल वॉज रिटन इन। अब हमें इसकी लैंग्वेज बतानी है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था। सो ऑप्शंस हैं हमारे पास लैटिन, इटालियन, अरेबियन या नॉर्मन फ्रेंच। सो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन फ्रेंच। तो बेसिकली जो ये वर्क है वो नॉर्मन फ्रेंच में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नोन फॉर बींग द मेजर सोर्स फॉर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन।
तो इनमें से कौन सा वर्क ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? ऑप्शंस हैं मैनविल्स ट्रेवल्स, पियर्स प्लोमैन, कन्फेशियो अमेंटिस और ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मैनविल्स ट्रेवल। तो देखिए इस ये जो वर्क है ये सर जॉन मैनविल ने अपना अपने ट्रेवल्स का जो एक्सपीरियंस था उसको बताया है इस वर्क में, और इस वर्क से बहुत सारी जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैनविल वॉज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश लैंग्वेज इन द ईयर ऑफ। तो देखिए बेसिकली तो ये वर्क जो है वो नॉर्मन फ्रेंच में लिखा गया है और बाद में इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया था। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं 1377, 1365, 78 और 75। सो राइट आंसर हो जाएगा 1375, यानी कि 1357 और 71 के बीच में तो इस वर्क को लिखा गया था, और आफ्टर 7-8 ईयर्स, आफ्टर 3-4 ईयर्स 75 में, 1375 में इस वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल फोकस ऑफ द बुक सर द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैनविल इज। तो देखिए इस वर्क में जो सेंट्रल फोकस है ऑथर का वो किस पे है ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं हमारे पास सोशल सटायर, रिलीजन, ज्योग्राफी या चर्च लीडरशिप। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, रिलीजन। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो वर्क है सर जॉन मैनविल का उससे हमें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, पर सेंट्रल फोकस जो इस बुक का है वो रिलीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज कॉमनली नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर बेसिक सा क्वेश्चन है, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? सो ऑप्शन है हमारे पास विलियम लैंगलैंड, सर जॉन मैनविल, जॉन वाइकलिफ या जॉन गोवर, जो कि कन्फेशियो अमेंटिस के राइटर हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन वाइकलिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एज ऑफ चौसर ऑफ सिविल डोमिनियन वॉज रिटन बाय। तो देखिए ऑफ सिविल डोमिनियन नाम से जो वर्क है वो किसने लिखा है? ऑप्शंस हमारे पास हैं जॉन मैनविल, जॉन गोवर, जॉन हॉकलिव या जॉन वाइकलिफ। सो राइट आंसर हो जाएगा जॉन वाइकलिफ। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी भी नियर अबाउट 10 to 15 क्वेश्चन आर लेफ्ट ऑफ दिस टॉपिक। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।